आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएफ बैंक केवाईसी के रिगार्डिंग, जो कि आपने केवाईसी की है और आपको शो कर रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस करके, और आप काफ़ी समय से परेशान हैं। आपका 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया है, लेकिन आपकी बैंक केवाईसी जो है अप्रूव हो ही नहीं रही, आगे प्रोसेस जा ही नहीं रहा है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्या करना होता है आपको। सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है हम मेहनत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बहुत कम कंसल्टेशन फ़ी है। जैसे आप पे करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी इशू है, अगर आपको वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जैसे आपने पीएफ बैंक केवाईसी, आपने जो है पीएफ पोर्टल पे गए, ओके, और आपने वहाँ पे जाके बैंक केवाईसी सबमिट किया ताकि आप अपना पैसा निकाल सके, ओके। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आपको पहले शो करता है और आपके पास ऑप्शन आता है डिलीट करने का। डिलीट करने का ऑप्शन कब तक रहता है? 24 घंटे तक के ऑप्शन होता है, जहाँ से आप चाहे। तो अगर आप सोचते हैं कि अरे नहीं, मैंने कहीं गलत अकाउंट लेते लिया, फिर हो सकता है आपने आईएफएससी कोड, या फिर आपको लग रहा है नहीं यार ये अकाउंट तो मेरा इनएक्टिव है या डोरमेंट है, तो अब मैं चेंज कर लेता हूँ, तो उस केस में आप जो है डिलीट कर सकते हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के बाद आपको जो है ऑप्शन नहीं आता है, ओके। अब आपको क्या हुआ प्रॉब्लम कि आपको चलो 24 घंटा हो गया, ओके, आपने बोला चलो हो जाएगा, बैंक मेरा वेरीफाई कर देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही कि 1-1.5 महीने से लोग परेशान हैं, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से दिखा रहा है, आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? देखिए, बहुत से यूट्यूबर्स आपको देखे आपको मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं और बता रहे कि आप जो है ग्रेवियंस डाल दीजिए, रेस कर दीजिए, ओके, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। बट असल में सिर्फ ग्रेवियंस डालने से सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आप चाहे तो ग्रेवियंस आप डाल सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, ओके, फ्री है, आप बिंदास डाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि वहाँ से भी नहीं हो रहा प्रोसेस, और फिर भी पीएफ ऑफिस आपको बोल रही है कि एम्प्लॉयर से बात कीजिए। एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, पहले बैंक से वेरीफाई होगा आपकी अकाउंट डिटेल्स जो भी आपने फिल किए हैं, नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ओके, आपका ब्रांच, सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आगे फिर बैंक उसको जो है प्रोसेस करती है। तो आपका होता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन इन, जब जाके जो है एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट आती है, वो अप्रूव कर पाता है। लेकिन यहाँ पे यही परेशानी है कि लोग परेशान हैं बैंक के वैसी करके, 1.5-1.5 महीना मेरे पास लिटरली बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, और उसमें जब बताते हैं कि सर हमने ये तारीख को किए थे, हुआ नहीं, फिर हमको गाइडेंस देते प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वो फॉलो करेंगे डेफिनेटली लोगों का काम हुआ है। मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। वीडियो लगे अच्छा तो लाइक कीजिए। इफ़ यू